फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 Plus Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल से फोन करते समय आवाज नहीं आ रही है ना आपके फोन से, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है ना, इसे ओपन करना है। इस ऐप में आपको नीचे की साइड में एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, सिस्टम ऐप पे टैप करना है, ठीक है। अब आपको इस पेज में एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण फोन करते समय आवाज फोन से नहीं आती है। तो ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन को आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका आप बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।